आलिया ने कहा, अच्छा अब तुम ये बताओ क्या खाओगे, मैं क्या बनाऊं तुम्हारे लिए। मिहिर ने कहा, कोई जरूरत नहीं तुम्हें कुछ बनाने की, अभी तुमने कहा ना कि तुम बहुत थक गई हो। हाँ, आलिया ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ यार टायर्ड तो बहुत फील कर रही हूं। आलिया की बात सुनते ही मिहिर ने कहा, तो फिर बस आराम से बैठो, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, ओके। आलिया ने कहा, अगर कुछ बनाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या, थकी होने के साथ साथ मुझे बहुत तेज भूख भी तो लगी है। मिहिर ने कहा, हाँ मैं जानता हूं। आलिया ने पूछा, तो क्या तुम कुछ बनाने वाले हो क्या। मिहिर ने ना में सिर हिलाया और अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, नहीं मैं कुछ नहीं बना रहा, आज हम बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे। इतना बोलकर वो खाना ऑर्डर करने लगा। आलिया ने कहा, हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम जल्दी से खाना ऑर्डर करो, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोलकर आलिया उठी और चुपचाप अपने रूम में चली गई, और कुछ ही देर बाद खाना आया और दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया। डिनर फिनिश करने के बाद मिहिर अपने रूम की तरफ जाने लगा, तभी आलिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो मिहिर। मिहिर ने कहा, अपने रूम में जा रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे निखिल के साथ जल्दी जाना है ना, इसीलिए। आलिया ने मिहिर को बड़े प्यार से देखते हुए कहा, क्या हम थोड़ी देर बैठकर बातें नहीं कर सकते, वैसे भी तुम आज आए हो तो पता नहीं दोबारा कब तुम्हें विला आने का टाइम मिले। मिहिर ने आलिया को देखा, उसकी आंखों में उसे अपने लिए काफी ज्यादा प्यार नजर आ रहा था। मिहिर आलिया के बगल में बैठा और बोला, वाइफी तुम मुझे बहुत मिस करती हो ना। आलिया ने मिहिर की बात सुनकर तुरंत हां में अपना सिर हिलाया, और तभी उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बड़े प्यार से उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं, लेकिन काम की वजह से मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाता, सॉरी वाइफी। मिहिर को इस तरह सॉरी बोलते देखकर आलिया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं तुम सॉरी मत बोलो, लेकिन सच बताऊं तो अब मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है कि मुझे अकेले विला में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा फील होता है कि ये घर मुझे काट खाने को दौड़ेगा। मिहिर ने आलिया की इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस तुम हर चीज को कुछ ज्यादा ही सोच लेती हो। आलिया मिहिर को इस तरह हंसते देखकर कुछ नहीं बोली और उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। आलिया को इस तरह चुप होता देखकर मिहिर अपनी जगह से उठा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक से इस तरह के बिहेवियर को देखकर आलिया समझ नहीं पाई और उसने कहा, ओह अरे क्या कर रहे हो मिहिर, मुझे नीचे उतारो। मिहिर ने कहा, नहीं उतारूंगा, क्योंकि आज मेरी वाइफ ही बहुत ज्यादा थकी हुई है, इसीलिए मैं उसे इसी तरह उठाकर रूम तक ले जाऊंगा। आलिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मिहिर। आलिया इतना बोली रही थी कि तभी मिहिर ने उसे चुप करवाते हुए कहा, चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगी। मिहिर आलिया को उसी तरह गोद में उठाकर रूम में लेकर गया। वो उसे बड़े प्यार से बेड पर लिटाते हुए बोला, सबसे पहली बात तो ये कि तुम अपने चेहरे पर उदासी मत लाया करो, और दूसरी बात ये कि कल भी मैं यहां आऊंगा और फिर तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा, ओके। आलिया ने जैसे ही मिहिर की बात सुनी उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई और वो खुश होते हुए बोली, सच में मिहिर तुम कल भी विला आओगे। मिहिर ने हां में सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल आऊंगा, अब तुम आराम करो, ओके। आलिया मिहिर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, उसके चेहरे की खुशी देखकर उसने उसके चेहरे को बड़े प्यार से सहलाया। मिहिर ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट वाइफी। मिहिर के इस तरह उसके माथे पर किस करने से आलिया बहुत स्पेशल फील करने लगी और उसने मुस्कुराते हुए मिहिर की तरफ देखा। मिहिर उसके रूम की लाइट्स ऑफ करके रूम से बाहर चला गया। आज मिहिर ने आलिया को काफी ज्यादा स्पेशल फील कराया और उस बारे में सोचकर वो मन ही मन खुश होती जा रही थी। जिस तरह मिहिर ने आलिया के हाथ और माथे पर किस किया उसे बहुत ही अच्छा लगा और वो खुश होते हुए सो गई। अगले दिन सुबह मिहिर जल्दी उठा और उसने आलिया के साथ ब्रेकफास्ट किया। तभी मिहिर का फोन बजा तो उसने देखा कि श्याम का मैसेज था। उन्होंने बताया कि शोभित को मुंबई के लिए भेज दिया गया था और वो 1 से 2 घंटे में लैंड करेगा। मिहिर ने जैसे ही श्याम जी का ये मैसेज देखा उसने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और सीधे निखिल के घर के बाहर पहुंचा। निखिल को पिक करके वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। तभी निखिल ने उससे पूछा, सर हम इतनी जल्दी एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं। ये सुनकर मिहिर ने कहा, सुबह मेरे पास श्याम अंकल का मैसेज आया था, उन्होंने बताया कि शोभित 1 से 2 घंटे में ही यहाँ पहुंच जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वो अकेले इधर से उधर कहीं भटके, इसलिए हम इतनी जल्दी एयरपोर्ट जा रहे हैं। अगर हम जल्दी पहुंच जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लेंगे।
मिहिर की बात सुनकर निखिल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, वैसे भी शोभित अभी इन सब चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से जानता भी नहीं है। मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया। वो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा उसने पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क की और सीधे जाकर शोभित की फ्लाइट के आने का वेट करने लगा। जैसे ही शोभित की फ्लाइट लैंड हुई मिहिर और निखिल एग्जिट गेट की तरफ एक टक देखने लगे। जैसे ही उन दोनों को शोभित दिखा उन दोनों ने बिल्कुल भी देर नहीं की और दोनों ही तेज कदमों से चलते हुए उसके पास गए और निखिल ने शोभित को देखकर कहा, वेलकम शोभित। मिहिर ने भी हंसते हुए कहा, शोभित हाँ हम काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ना, वाह और तुम तो पहले से कितने ज्यादा बदल गए हो यार, तुम तो पुराने वाले शोभित लग ही नहीं रहे। मिहिर की बात सुनकर शोभित एक टक उसे देखता ही रह गया। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे पास तुम्हारी पिक ना होती तो शायद मैं तुम्हें पहचान भी ना पाता। मिहिर को इस तरह मुस्कुराते देखकर शोभित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई। निखिल ने शोभित को मुस्कुराते देखकर कहा, शोभित तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। शोभित ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया। तभी मिहिर ने कहा, शोभित यार मैंने तुम्हें इतने दिनों बाद देखा है और तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मिहिर की बात सुनकर शोभित ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, लेकिन तुमने मुझे जिन बातों के बारे में झूठ बोला और मुझसे बातें छिपाई तो अब मैं यहां पर आ गया हूं और मैं उन सभी चीजों को सुलझा कर रहूंगा। शोभित की यह बात सुनकर वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। तभी शोभित ने कहा, नहीं मिहिर तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से उदास मत हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है लेकिन अब आगे से मुझसे कोई बात मत छिपाना। इतना बोलकर शोभित ने यह बात तो जाहिर कर दी थी कि भले ही उसने मिहिर को माफ कर दिया था लेकिन वो कुछ भी भूला नहीं था और उसे सब कुछ याद था। इतना बोलकर शोभित और मिहिर बिल्कुल चुप हो गए थे और वहां पर काफी सीरियस माहौल हो गया, जिसे देखकर निखिल ने तुरंत मिहिर और शोभित की तरफ देखकर कहा, अब आप दोनों यहीं खड़े रहेंगे क्या, चलिए ना चलते हैं, अब वैसे हमें जाना कहां है। मिहिर ने जैसे ही निखिल की बात सुनी तो उसने कहा, हाँ ये लो निखिल कार की चाबी और तुम ड्राइव करो, मैं शोभित के साथ पीछे बैठूंगा। निखिल ने मिहिर के हाथ से कार की चाबी ली और ड्राइविंग सीट पर बैठा। मिहिर शोभित को लेकर बैक सीट पर बैठा और शोभित ने उसकी कार को काफी अजीब तरह से देखा। तभी निखिल ने पूछा, सर हमें जाना कहां है ये तो बताइए। मिहिर ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, ओल्ड सिटी की तरफ चलो। शोभित ओल्ड सिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उसने सिर्फ उसका नाम ही सुना था और आज पहली बार ऐसा होगा जब वो ओल्ड सिटी जाएगा। मिहिर के इतना बोलते ही निखिल ने तुरंत कार की स्पीड बढ़ा दी और सीधे ओल्ड सिटी की तरफ जाने लगा। कार ड्राइव करते हुए निखिल ने मिहिर की तरफ देखा जो चुपचाप शोभित को देख रहा था। शोभित कार की खिड़की से बाहर इधर उधर देख रहा था। निखिल ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, सर वैसे शोभित मिस्टर रोहन बिष्ट से मिलने उनके घर गया था तो क्या अब उन्हें शोभित पर शक नहीं होगा, क्योंकि अब तो उन्होंने इसे देख लिया होगा और उन्हें पता चल गया होगा कि वो बिल्कुल सही सलामत है। मिहिर निखिल की टेंशन को समझ रहा था। तभी मिहिर ने हंसते हुए कहा, नहीं निखिल तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इस वक्त शोभित की प्रेजेंट सिचुएशन को देखो, वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। निखिल ने मिहिर की बात सुनकर शोभित की तरफ देखा। मिहिर ने आगे बोलना कंटिन्यू किया, इसलिए मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि अगर रोहन चाचा शोभित को देख भी लेते हैं तो उसे वो पहचान नहीं पाएंगे, फिर चाहे वो उनके बिल्कुल सामने ही क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल बदल गया है। निखिल ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूं। उसने निखिल की बात सुनकर हां में सिर हिलाया। निखिल ने तुरंत मिहिर से पूछा, वैसे हम शोभित को किस तरह की नौकरी देने जा रहे हैं सर, ओल्ड सिटी में वो क्या काम करेंगे। जैसे ही नौकरी की बात हुई शोभित निखिल को देखने लगा। निखिल ने मिरर में शोभित की तरफ देखकर कहा, हाँ तो बताओ शोभित तुम्हें किस तरह की जॉब करनी है, तुम्हें कोई काम आता हो तो बताओ हम तुम्हें वही जॉब दे देंगे। मिहिर ने निखिल की यह बात सुनकर शोभित की तरफ देखा, वो काफी ज्यादा हैरानी से निखिल की बात सुन रहा था। तभी मिहिर ने कहा, निखिल अगर तुम शोभित से इस बारे में पूछोगे तो वो कुछ भी नहीं कह पाएगा। यह बात सुनकर निखिल मिहिर की तरफ देखने लगा। फिर मिहिर ने कहा, तुम बस जल्दी से ओल्ड सिटी चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूं। शोभित ने उसकी बात खत्म होते ही कहा, मुझे तो कोई काम करना नहीं आता तो ऐसे में मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी। मिहिर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम परेशान मत हो शोभित। मिहिर ने निखिल से कहा, शोभित इतने दिनों से हम सबसे दूर था और वो समाज में सबके साथ नहीं रहा तो उसे कोई भी काम नहीं आता, इसलिए हमें जो भी काम देना पड़ेगा पहले उसे शोभित को सिखाना पड़ेगा। निखिल ने मिहिर की बात सुनकर हां में सिर हिलाया।
मिहिर ने कहा। सच बताओ निखिल, इस टाइम तो मुझे भी नहीं पता कि मैं शोभित को कौन सी जॉब दूंगा। इतना बोलकर मिहिर चुप हो गया। कुछ देर बाद मिहिर ने कहा, यार निखिल तुम ही कोई सजेशन दो ना, तुम्हें क्या लगता है शोभित कौन सा काम अच्छी तरह से कर पाएगा। निखिल ने मिहिर की बात सुनकर कहा, मैं क्या बताऊं, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही सही होगा। इतना बोलकर निखिल मिहिर की तरफ देखकर मुस्कुराया और मिहिर कुछ सोचने के बाद शोभित की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। निखिल की नजर जैसे ही मिहिर पर पड़ी उसने कहा, क्या सोच रहे हैं सर, हमें भी बताइए, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या चल रहा है मिहिर के दिमाग में? क्या मिहिर शोभित को उसके मुताबिक कोई जॉब दे पाएगा? और क्या होगा जब रोहन और शोभा को मिहिर के इस फैसले के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।